यह रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन 24 घंटा उनको तंग करते हैं, उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल एंड बिजनेस, स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई, साफ बोला, साफ बोला, अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो, हर स्टेट में, हर स्टेट में, हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया सर, हर भाजपा रूल स्टेट में खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है। स्पीकर सर, बार बार खड़े होकर भाषण को कम कर रहे, कोई रोक नहीं, कोई रोक किसानों को। ये देखिए सर, ये देखिए, जस्ट गिव मी अ गिव मी अ लिस्ट ऑफ बीजेपी स्टेट। आप किताब लेके क्यों खड़े हो, कानून बनाना चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हैं कानून से बताओ। स्पीकर का डायरेक्शन है सर, स्पीकर का डायरेक्शन 115, और वो ये कहता है सर, वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर, कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवेर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये आपका डायरेक्शन है 115-1 और 115-2, इसीलिए वो जो बातें कर रहे हैं उसको